शाहपुर पुलिस ने आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को किराए के कमरा बगहा बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अर्जुन प्रसाद पुत्र स्वर्गीय राजदेव निवासी बेली खुर्द पोस्ट मुकारिमपुर थाना बेलघाट गोरखपुर, हाल पता किराए का कमरा बगहा बाबा मंदिर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि वीरेंद्र कुमार गुप्ता तहसीलदार सदर गोरखपुर की रिपोर्ट की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर चरगावा स्थित कार्यालय के संबंध में डीएल बनवाने को लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जनता द्वारा प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में गोपनीय तरीके से स्टिंग ऑपरेशन व गोपनीय तथ्यों के जांच पड़ताल के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि वाहन रजिस्ट्रेशन डीएल बनवाने व अन्य प्रपत्रों के सत्यापन के कार्यों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करते हुए घूस लेकर के ही पटल द्वारा साज के कार्यों को संपादित किया जा रहा है तथा डीएल लर्निंग से लेकर मुख्य डीएल बनाने तक की प्रक्रिया में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व परीक्षण व डीएल बनाने के संबंध में डीएल बनाने से जुड़े लोग बिना घूस प्राप्त के शासकीय कार्य नहीं कर रहे हैं और शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क अन्य माध्यमों से प्राप्त कर रहे हैं। सीधे तौर से स्वयं पैसा ना लेकर विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके कार्यालय के आसपास स्थित विभिन्न प्राइवेट दुकानों में से एक दो दुकानों से दुर्भिस संधि करते हुए आपराधिक षड्यंत्र करके विभिन्न पटलों द्वारा कार्य करते हुए अन्य माध्यमों से घूस प्राप्त किया जा रहा है, जिससे आम जनता के लोगों का कार्य बिना पैसे के नहीं हो रहा है, जिससे शासकीय कर्मी होमगार्ड कैफे इस समस्त लोगों के आपसी दुर्भिस संधि व आपराधिक षड्यंत्र के तहत यह प्रक्रिया संपादित करते हुए व्यापक स्तर पर शासकीय धन का गबन भी किया जा रहा है, जिसके संबंध में शाहपुर स्थानीय थाने में दुकान व होमगार्ड के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया और होमगार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल नरुद्दीन खान, कांस्टेबल राहुल सरोज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा के अपराध रोकथाम की जो अभियान चल रहा है, उसी क्रम में जो भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में एक जांच चल रही थी, जिसमें जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हैं उनके यहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, इन सबको बनाने को लेकर के जो भ्रष्टाचार की होती है और जो लोगों को समस्या आती है, उस संबंध में ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें होमगार्ड हैं ये अर्जुन प्रसाद, उनके पिता का नाम है स्वर्गीय राजदेव, ग्राम बेली खुर्द पोस्ट मुकारिमपुर थाना बेलघाट के रहने वाले हैं और इनका जो हाल पता है वो बगहा बाबा मंदिर थाना रामगढ़ताल के पास से है, किराए का मकान। यहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है 13:10 बजे आज दिनांक 11/4/2022 को, और इनका जो मुकदमा अपराध संख्या 155/22, धारा 419-20, 467, 468, 471, 120-B, 409 और 60/13, 8-9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।